नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली मतदान से बस एक दिन दूर, चुनाव से पहले बोले केजरीवाल, देंगे फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, अस्पताल। मोदी ने फिर से किया कांग्रेस पर वार, बोले कांग्रेस की तरह काम करते तो कभी नहीं ले पाते राम जन्मभूमि पर फैसला। कोरोना वायरस का कहर बरकरार, अब तक ली 543 लोगों की जान, हाई रिस्क इमरजेंसी की घोषणा। शाहीन बाग में नया नजारा देखने को मिला, अलग अलग धर्मों के लोगों ने साथ की साधना। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन था। वहीं अरविंद केजरीवाल ने INS से खास बातचीत में स्पष्ट किया कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं बल्कि काम की राजनीति करते हैं। अब ये वाला चुनाव जो है ये काम के ऊपर हो रहा है। आप अपनी कैमरा टीम को लेके सड़क के ऊपर भेज दीजिए, पूछिए किसको वोट दोगे। जो भी ये कहता है आम आदमी पार्टी को वोट देगा, उससे पूछिए क्यों दोगे, वो हमारे कामों की लिस्ट फहरिस्त बताता है। अगर ये चुनाव कामों के ऊपर जीतती है, दिल्ली की जनता इस काम पे वोट डालती है, तो ये एक नई किस्म की राजनीति को जन्म देगा जिसका नाम है काम की राजनीति। और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि जब तक दिल्ली में आपकी सरकार है तब तक वो बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, महिलाओं के लिए यात्रा और वृद्ध लोगों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त में मुहैया कराएंगे। नहीं, जब तक केजरीवाल है तब तक ये फ्री रहेंगे। क्या INS को मतलब आश्वासन? हाँ, बिल्कुल, के जरिए बोलना चाह रहे? बिल्कुल बिल्कुल, ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड है, हर जगह बोल रहा हूँ मैं, हमारे मैनिफेस्टो में भी है, गारंटी में भी है। आपकी बिजली पानी जो जो फ्री चल रहा है, बिजली पानी, स्कूल, अस्पताल, महिलाओं का फ्री सफर और बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा सब जब तक हम हैं तब तक फ्री रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष पर आज जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा अगर बीजेपी भी कांग्रेस की तरह काम कर रही होती तो आज तक राम जन्मभूमि पर कोई फैसला नहीं आया होता। एक नई सोच के साथ काम करने की देश की इच्छा और अपेक्षा के कारण हमें यहां आकर के सेवा करने का अवसर मिला है। लेकिन अगर हम उसी तरीके से चलते जिस तरीके से आप लोग चलते थे, उसी रास्ते से चलते जिस रास्ते की आपको आदत हो गई थी, तो शायद 70 साल के बाद भी इस देश में से आर्टिकल 370 नहीं है। अगर आप ही के सोच के साथ चलते तो राम जन्मभूमि आज भी विवादों में रहती। संविधान के प्रति समर्पण भाव से कहना चाहता हूं, देश के 130 करोड़ नागरिकों से कहना चाहता हूं, CAA इस बिल से, इस एक्ट से हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को नहीं होने वाला। इससे भारत की माइनॉरिटी को कोई नुकसान होने वाला नहीं। दिल्ली में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। दिल्ली में गुरुवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जहां आम आदमी पार्टी मुखिया केजरीवाल ने कोई रैली नहीं की, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो कर भाजपा के लिए वोट मांगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एक नहीं तीन तीन रोड शो किए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर गुरुवार शाम 5 बजे थम गया। आखिरी दिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। सीमापुरी, हरिनगर और मादीपुर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी के लिए अमित शाह ने बम्पर रोड शो किया। अमित शाह ने इस दौरान दावा किया कि बीजेपी 45 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में लगभग 2 महीने से जो प्रोटेस्ट चले आ रहे हैं, आज उसमें एक अलग ही नजारा देखने को मिला। आइए देखते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन के बीच गुरुवार को एक अलग नजारा देखने को मिला। सभी धर्मों के लोगों ने अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ व प्रार्थना की। कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य वर्तमान समय में देश में फैले डर और हिंसा के माहौल को खत्म कर एकजुटता का संदेश देना था। प्रदर्शन में इकट्ठा हुए लोगों ने कहा,
देश को बांटने की कोशिश करने वालों के खिलाफ हम सभी एक साथ खड़े हैं। कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तक कोरोना वायरस से 563 लोगों की मौत हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने चीन यात्रा को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन के सभी मौजूदा ई वीजा और जारी किए गए सामान्य वीजा अब वैध नहीं है। बता दें कि चीन में गुरुवार को कोरोना वायरस के प्रकोप से मौत का आंकड़ा 563 हो गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार बुधवार को 73 लोगों की मौत हो गई। यह एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। कुल 28,018 मामलों की पुष्टि हो गई है। बुधवार को 3,694 नए मामले सामने आए हैं। देश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने इसकी घोषणा की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब बस एक दिन बचा है। जहां नेताओं ने प्रचार के दौरान एक दूसरे पर तंज कसे, वहीं अब दिल्ली की जनता 8 तारीख को वोट देकर दिल्ली में आने वाली सरकार का भविष्य तय करेगी। दिल्ली चुनाव के प्रचार अब खत्म हो गए हैं। दिल्ली चुनाव के प्रचार के दौरान कई तरीकों की बयानबाजी देखी गई, जहां नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक दूसरे पर तंज कसने की, जहां यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल को आतंकवादी करार दिया, वहीं केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली में शाहीन बाग मामले में कदम न उठाने पर कई सवाल उठाए। दिल्ली में एक चरण में 8 फरवरी को मतदान होंगे, 11 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली में 1,46,00,000 लोग अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। ऑटो एक्सपो 2020 का आगाज कल ही हो चुका था और आज इसमें पहुंचे सुपरस्टार शाहरुख खान, जिन्होंने हुंडई क्रेटा से पर्दा उठाया। Happened in the 22 years ago. One, I had a son, and one, I became the brand ambassador of Hyundai. So I'm like, with all due respect and love to everyone here, I'm like the father of Hyundai in India. और अब जानते हैं RBI के फरवरी महीने की पॉलिसी मीट के क्या है नतीजे। The Reserve Bank of India on Thursday decided to keep the lending rates or the repo rates unchanged. The repo rate is the rate at which the commercial banks are required to keep a certain sum with the Reserve Bank of India. Of late, due to the increase in inflation, especially because of the onion prices, the Reserve Bank of India has not been able to slash rates in order to support growth. Although the Reserve Bank of India says that the onion prices and other food items will decline, they have increased their projections for the CPI inflation for the coming 3 months. They have also said that the economy remains weak. अब बात करें भारतीय बाजारों की, तो सेंसेक्स और निफ्टी में आज उछाल देखने को मिला। इसका सबसे बड़ा कारण था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये इंडिकेट करना कि रेट कट होने की संभावना अभी भी है। ग्लोबल मार्केट्स में भी आज पॉजिटिविटी थी, क्योंकि US और चाइना के बीच का टेंशन अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। फॉर INS रविदत्त। फोर नेशन सीरीज के लिए इंग्लैंड रवाना हुए BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली। पूर्व भारतीय कप्तान और BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली आज लंदन पहुंचे, जहां पे सूत्रों के अनुसार फोर नेशन सीरीज के बारे में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट ऑफिशियल्स के साथ बातचीत हो सकती है। सोर्सेस कहते हैं कि ECB ऑफिशियल्स के साथ गांगुली का एक इनफॉर्मल मीटिंग हो सकती है। ये देखना बाकी है कि क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल्स भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। INS TV के लिए रोहित मुंडियोर। आने वाली फिल्म मलंग के को स्टार आदित्य रॉय कपूर और दिशा पाटनी ने INS से की कुछ खास बातचीत। Kind of detached from the film now? Enough to watch it objectively? I think I am happy that I'm busy right now, because right now as an actor there's nothing that's in your hands. Right. It's whatever we had to do has been done. So it's just that the promotion actually now in these last couple of days for me is good, because it's keeping my mind busy and keeping me occupied. Because otherwise you're just going to be sitting and thinking of what will be when you can't control what will be. So in that sense, I'm happy. But definitely not detached from the film, very much for me attached to the film. It is something that we've been working on for so long that we want everyone to watch it and like it. So very much attached to the film. आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।